आई होप दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स को, ठीक है। अब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना क्यों है? देखो, ज्योमेट्री में जो लाइंस एंड एंगल्स है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आप एक बेसिक सा एग्जांपल लो, सपोज आपको अपने लिए बड़ा सा घर बनाना है, तो सबसे पहले तो आप उसका मैप निकालोगे, ठीक है, उसका प्लान बनाओगे। तो जो प्लान बनता है उसमें आप क्या यूज करते हो? आप क्या यूज करते हो उसमें? लाइंस यूज करते हो आप उसमें, स्क्वायर यूज करते हो, रेक्टेंगल यूज करते हो, कर्व यूज करते हो, सर्कल यूज करते हो, और न जाने क्या, ठीक है। सो ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। क्या है चैप्टर का नाम? लाइंस एंड एंगल्स। एक छोटा सा नमूना पेश करती हूँ मैं कि आपको कैसे ये हेल्प करता है। सपोज मैंने ये लाइन निकाली, ये दूसरी लाइन निकाली मैंने। अब क्या करा, इन लाइन्स पे मैंने दो दो डॉट्स दे दिए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, ऐसे ऐसे रैंडम दिए, ओके। अब यहाँ पे मैंने कुछ डॉट्स दिए ऐसे ऐसे, अब मैं क्या करूंगी इन डॉट्स को जोड़ दूंगी। देखो बड़ी प्यारी सी ड्राइंग बनी है इसे, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे मैं बना रही हूँ। देखो तो ये एकदम सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट आपको निकालनी है, ओके ओके। अब देखो इधर भी जोड़ लो, ऐसे एक्सटेंड कर दो इसको, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया, ओके ठीक है। इसको भी कर देंगे, क्या बन क्या रहा है बोलो, उसको क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ओके ठीक है। तो मैंने ये ओके क्या दिख क्या रहा है बोलो, तो ये क्या दिख रहा है आपको, चलो बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपके मामले क्या ड्रॉ कर रहा है? देखो मेरी ड्रॉइंग तो इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन बेसिक से एप्लीकेशन आते हैं उसको ज्योमेट्री के ड्रॉइंग के अंदर, जैसे कि मैं कुछ क्रिएशन कर सकूं। तो आपको ये क्या लग रहा है? ये रोड लग रहा है ना, रोड लग रहा है, उसके एजेस भी क्या लगे हैं, पेड़ लगे हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा था कि हमने दो लाइन खींची और उस पे कुछ डॉट्स दिए और फिर स्ट्रेट लाइन निकाली और उसको कर्व लाइन से ऐसे ऐसे जोड़ दिया, तो एक अच्छी सी सुंदर सी ड्राइंग बन गई। अगर आप इसको कलर करोगे तो बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो ये है बेसिक सा यूज आपकी ड्राइंग में कि आप ज्योमेट्री को कैसे यूज करते हो, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो डियर क्लास, जस्ट सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज प्लेन? प्लेन वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, ठीक है, ये वाला प्लेन अलग है। प्लेन मतलब कि फ्लैट सरफेस, ओके। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शंस। मतलब इसकी जो भी डायरेक्शंस है ये क्या होती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है, ओके। अगेन क्या कह रहा है कि इट हैज अ लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। मतलब इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं है। मतलब कि प्लेन 2D में होगा, 3D में नहीं, समझो इसको। इसको क्या है? इसको लेंथ है, ओके, इसको ब्रेथ है, लेकिन थिकनेस नहीं है, थिकनेस नहीं है। मतलब ये 2D है। अब यहाँ पे देखो कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन। पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन। अदरवाइज आप कह सकते हो पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन है। आप अगर पॉइंट को ड्रॉ करते हो, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताए किसी चीज की, अब पॉइंट को हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से। अब कैपिटल ही लेना, कैपिटल ही लेना, आप स्मॉल नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट भाई साहब है, इनको ना थिकनेस होती है, इनको ना लेंथ होती है, इनको ना ब्रेथ होती है। इट इज जस्ट अ पॉइंट, इट इज जस्ट अ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ओके, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखो। अ लाइन सेगमेंट इज अ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ, पाथ अदरवाइज डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन। देखो ये पॉइंट है, मैंने इसको प्लेन उठाए बिना एक्सटेंड कराया। अब इस इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, देखो ये एक पाथ बन गया है, ये डिस्टेंस इसने इतना कवर करा है। अब इसके दो एंड पॉइंट्स भी है, ये और ये, इसके दो एंड पॉइंट्स भी हो गए। सपोज इसको नाम दे दे, यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन सेगमेंट, सपोज यहाँ पे पी और क्यू मैंने नाम दे दिया इसको, तो ये हो गई एक लाइन सेगमेंट। अब इसके दो फिक्स एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, पी क्यू और इसके सिर के ऊपर ऐसा, तो ये होगी एक लाइन सेगमेंट। अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, क्यू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपने लास्ट ईयर में सीखा है, ये रिवाइज कर रही हूं मैं। अब देखो लाइन क्या होती है, इसको फिक्स एक लेंथ होगी, हाँ इसको लाइन सेगमेंट को एक फिक्स
लेंथ होगी, इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे इसकी बहन जो है लाइन, लाइन क्या होती है, वह ना व्हेन वी एक्सटेंड टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन बोथ द डायरेक्शन एंडलेसली, एंडलेसली मतलब क्या है इसका कि ये एक लाइन सेगमेंट है। अब ये दो उसके एंड पॉइंट्स होंगे, एम एन नाम देते हैं इसको। तो अब इस एंड पॉइंट को अगर हम एंडलेसली एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसको हमें हेडेड एरो दिखाने पड़ेंगे। लाइन को हमेशा हेडेड एरो होंगे। क्या बताते हैं ये हेडेड एरो? ये बताते हैं कि हमें ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है लाइन को, वो एकदम भागती जाता है, उसको हम मीन्स रोक नहीं सकते। तो इससे आप क्या बता सकते हो कि लाइन की एक फिक्स लेंथ नहीं होगी, समझो इसको कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कैन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ ऑन एनी पेपर ऑन एनी सरफेस, तो क्या ड्रॉ कर सकते हो आप लाइन, कंप्लीट लाइन, कंप्लीट लाइन की बात चल रही है, तो नहीं ड्रॉ कर सकते हो। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हो कंप्लीट लाइन? क्योंकि वो एंडलेसली ट्रैवल करते हैं ना उसके दोनों एंड पॉइंट, उसको ब्रेक ही नहीं है। तो हम लाइन को सपोज रिप्रेजेंट करना चाहे तो एम एन है ये लाइन, और इसके सिर के ऊपर लिखते हैं ऐसा, ठीक है, इसके सिर के ऊपर ऐसे लाइन जैसे निकाल दो। हम इसको एन एम भी लिख सकते हैं, इसको एन एम भी लिख सकते हैं, और ऐसा। तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखो कि रे इस इन दोनों का भाई, लाइन का और लाइन सेगमेंट का भाई क्या है, रे। रे भाई साहब क्या कहते हैं कि अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन with a fixed starting point and a continues endlessly in other direction। मतलब ये इन दोनों का combo है, मतलब एक side से line segment जैसा, दूसरी side से line जैसा, ठीक है, आधा आधा दोनों का उसमें ले लिया। अब यहाँ पे देखो कि ray कहता है कि मुझको एक starting point तो है, मैं start तो हूँगा, ओके, लेकिन एक डायरेक्शन में वो भागता चला जाएगा, उसको वहां पे ब्रेक नहीं है। जैसे कि सूरज की किरणें, सन रेज सूरज से निकलती है, सूरज क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और एंडलेसली ट्रेवल करती है हमारी यूनिवर्स में, तो सन रेज कहा जाता है, इसीलिए वहां पे रेज आता है, और ये टर्म वहीं से हमने ली है रेज की, ठीक है। तो रेज क्या है, रेज है कि अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड कंटिन्यूज एंडलेसली इन अदर डायरेक्शन, समझो इसको, ठीक है। तो अब ये तो हो गया सब लाइन, पॉइंट, प्लेन सब के बारे में। अब हमारा मेन टॉपिक तो रह गया, वो है एंगल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एंगल। अब एंगल क्या होता है, देखो जब दो रेज या फिर दो लाइंस या फिर दो लाइन सेगमेंट एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं तब एंगल फॉर्म होता है। मतलब कि अगर हम दो लाइंस को भी ले ले तो भी यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखो यहाँ 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 पे एंगल फॉर्म हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लाइन सेगमेंट अगर बात करें तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर दो रेस की बात ले ले तो यहाँ पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा एंगल, ए ओ बी। अब देखो कि यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स इज इक्वल टू ओ है, ओ वर्टेक्स। अब इस एंगल को अगर हमें नाम देना है तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। हमेशा जो वर्टेक्स पॉइंट है वो मिडल में आएगा, बीच में आएगा, या फिर आप इसी को कह सकते हो कि एंगल ओ, एंगल ओ, समझे हो इसको, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। लेकिन हमेशा जो वर्टेक्स पॉइंट है या फिर जहां पे कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है उसके नेमिंग की, समझो इसको। अब एंगल्स के कुछ टाइप होते हैं, क्या होते हैं एंगल के टाइप, इसमें तो एक
लेटा रहता है हमेशा, हमेशा लेटा रहेगा, ये ऐसे ओके सोया हुआ है ये सदियों से। तो ये कौन है? ये है स्ट्रेट एंगल भाई साहब। ओके कितने डिग्री का होता है, कितने आदमी थे, कितने डिग्री का है, ये है 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। नाम क्या है इसका? इसका नाम है स्ट्रेट एंगल। ओके स्ट्रेट पसरता है ये देखो एंगल। ओके अब ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल अगर बात करें वही है अपना मेहनती, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला राइट एंगल। ये जो राइट एंगल भाई साहब है ये बैठते ही नहीं कभी, ये शुरू रहते हैं हमेशा, ये होते हैं 90 डिग्री के। ये कितने को होते हैं? 90 डिग्री के, समझे हो? जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। अब अगर कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री, अगर कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री का होता है, अगर 90 डिग्री के अंदर फॉर्म होता है, तो ये सारे बहुत ही क्यूट से एंगल क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल कहलाते हैं मतलब कि द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द राइट एंगल, द एंगल विच इज ऑफ 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल। मतलब कि स्ट्रेट एंगल और ये जो राइट एंगल है इसकी तो मेजरमेंट फिक्स है 90 और 180, लेकिन एक्यूट की मेजरमेंट फिक्स नहीं होगी, ये बदलती रहेगी। मतलब कि 90 डिग्री 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम अगर कोई हो तो वो एक्यूट है। कौन है वो? एक्यूट है, ठीक है। तो अब अगर कोई 90 डिग्री से ज्यादा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर इस 90 डिग्री के यहां से वो स्टार्ट हो रहा है, जीरो से वो स्टार्ट हो रहा है और इधर ऐसे ऐसे आ रहा है वो। अब 90 डिग्री से अगर वो ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ओके 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से अगर वो कम होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ऐसे बीच पे वो चेयर नहीं रहती, ऐसे 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 रहते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे सोए रहते हैं ऐसे मस्त बढ़िया से ऐसे। ओके तो बीच वाली जो चेयर है ना उसके जैसे रहते हो ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे इधर और ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर बात करें कि 180 डिग्री से भी अगर कोई बड़ा हुआ तो 180 डिग्री से बड़ा मतलब कि अगर हम इसको स्टार्ट करें 0 डिग्री से और यहाँ पे तो 180 डिग्री आता है और अगर उससे भी बड़ा यहाँ तक के हो गया हुआ ऐसा, तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। ओके रिफ्लेक्स एंगल। ओके अब इसको मेजर कैसे करना है इनको डिटेल में मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है। ओके क्लास 6 की प्लेलिस्ट है, उसमें अगर आपको इनको पढ़ना है तो वो प्लेलिस्ट जाके देख लेना। अब यहाँ पे देखो कि रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब रिफ्लेक्स एंगल अगर वो पूरा ऐसे घूम के फिर से वापस चला गया तो उसको कहते हैं, यहाँ पे देखो ये आ गया और फिर से ये घूम के इधर ही आ गया, तो ये इसको पूरा एक कंप्लीशन हो गया ना, वो पूरा उसने रोटेशन कंप्लीट कर लिया, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। अब देखो जो शुरू ही नहीं हुआ, जो बैठा है जगह पे वो भगवान के भरोसे कि मुझको मिल जाएगा, ओके और ये सब कोशिश कर रहा है तो उसको कुछ मिलेगा क्या? ये है, ये शुरू ही नहीं हुआ, ये यहीं पे है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जीरो एंगल। ये क्या कहलाएगा? जीरो एंगल। जीरो घुमा ही नहीं बेचारा, यहीं पे इसका एंगल कितना है? जीरो। इसका एंगल कितना है? जीरो, ठीक
ठीक है। अब इन एंगल्स की तो बात कर ली हमने, अब एंगल्स के कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो ये जो एंगल है ना, इसके जो ये दो रेज या फिर दो जो साइड है ये, इनको क्या कहा जाता है पता है? इसको कहा जाता है आर्म्स। इसको क्या कहा जाता है? आर्म, आर्म नहीं रे, आर्म्स। ओके आर्म्स, ओके आर्म्स मतलब कि हमारे भी आर्म्स है, ये भुजाए बाजुए। तो ये जैसे कि ये मैंने दो आर्म्स ऐसे रख लिए और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया, तो ऐसे ही बात करते ये क्या है, एंगल्स के आर्म है। तो इसके भी आर्म्स होते हैं, इसको आर्म्स होते हैं दो और इसको होता है एक वर्टेक्स, समझे हो? ओके तो अब यहाँ पे ए और बी, अब इसकी बात करूं मैं कि इसके आर्म्स को नेम दो, तो क्या है इसका बनाम ओ ए है और दूसरा है ओ बी। ओके समझे हो इसको? ठीक है, अब वर्टेक्स कौन है? ओ। वर्टेक्स कौन है? ओ। आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलो बात करते हैं भारी भरकम कॉन्सेप्ट की, जो कि नए हैं आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? नाउ लेट्स सी पेयर ऑफ अ एंगल्स, कि एंगल्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल को, कौन से पेयर ऑफ एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं? देखो उनमें कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, मतलब दोनों का मिला के एक आर्म होना चाहिए, एक कॉमन आर्म। दूसरी कंडीशन है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। और तीसरी कंडीशन है कि नॉन कॉमन आर्म लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब ये क्या मतलब हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? देखो डायग्राम देखो, समझ में आएगा। यहाँ पे कहता है कि एक कॉमन आर्म चाहिए, तो ये जो आर भाई साहब है, ये ओ आर, ये एक कॉमन आर्म है। किसका किसका? ओ पी, देखो पी ओ आर, ओके एंगल पी ओ आर, ये एक एंगल है इसका। और इसके ये जो कॉमन आर्म है ओ आर, इसके ये साइड में दूसरा एंगल बन रहा है, कौन सा? आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, कौन सा? क्यू ओ आर। अब देखो ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर, ये क्या है, इसमें कॉमन आर्म हो गया। क्या हो गया? कॉमन आर्म हो गया। कॉमन वर्टेक्स क्या है इसमें? कॉमन वर्टेक्स ओ है, कॉमन वर्टेक्स। कौन है कॉमन वर्टेक्स? ओ। यहाँ पे देखो इसका भी ये ओ आ रहा है, इसके भी साथ ओ है, ठीक है। तो अब कॉमन वर्टेक्स भी आ गया ओ। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नॉन कॉमन आर्म लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कि कॉमन आर्म नहीं है, ऐसे वाले, ये वाला और ये वाला कॉमन नहीं है, तो ये दोनों जो कॉमन आर्म है उसके इधर उधर होने चाहिए, मतलब अगल बगल में होने चाहिए। तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, वो सॉन्ग है ना, वो सूट करता है एडजेसेंट एंगल को। एडजेसेंट एंगल मतलब कि अगल बगल वाले एंगल। तो अब इसका ये जो पार्ट है, ये जो नॉन कॉमन वाले आर्म्स है, ये एग्जैक्टली ये जो कॉमन आर्म है इसके अगल बगल में है, तो ये क्या एडजेसेंट एंगल हुए? तो यस, ये एडजेसेंट एंगल हुए हैं, समझे हो इसको? ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहेंगे? इसकी कंडीशन है कि सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, कि उन दोनों एंगल की सम क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन तो नहीं है, ये कहता है कि मे और मे नॉट बी एडजेसेंट एंगल। वो हो भी सकते हैं एडजेसेंट एंगल और नहीं भी हो सकते एडजेसेंट एंगल। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, देखो कि एंगल एम ओ एन एक 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे मैंने उसके बीच में एक आर्म ड्रॉ किया है, उसका नाम है ओ पी। उसका नाम क्या है? ओ पी। अब ओ पी जो है वो कॉमन है, किसमें? एंगल एम ओ पी और
यहाँ पे ओपीओपी कॉमन है और इन्हीं की समभुज क्या आ रही है 45 डिग्री का और ये 45 डिग्री का, तो दोनों की सम क्या आ रही है 90 डिग्री आ रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हुए है और एडजेसेंट एंगल भी हुए है। अब दूसरा एग्जांपल है कि दूसरे दूसरे एंगल है, ये है एंगल एन एम एल। अब जो एंगल एन एम सॉरी एन एम एल है ये है 75 डिग्री का और जो एंगल पी क्यू आर है वो है 15 डिग्री का। अब देखो इन दोनों की क्या सम, इन दोनों की सम क्या आती है बोलो तू, इन दोनों की सम क्या आएगी 90 डिग्री आएगी। तो ये कौन से एंगल हुए हैं, ये कौन से एंगल होते हैं बोलो तो, ये एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन है कि सप्लीमेंट्री एंगल इज द पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180, मतलब कि दो कोई एंगल है और अगर उन दोनों की सम 180 आती है तो फिर वो कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में क्या 180 डिग्री, समझो इसको। इसको कैसे ध्यान में रखो ये बताए, एस ऐसे निकाला कि इसको 8 बना दो तो 8 180 ध्यान में रहेगा और ये सी निकलता है ऐसे तो इसको ऐसे कर दिया तो 9 बन जाता है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ कि एस को ऐसे 8 बना दिया तो 8 से ध्यान में आ जाएगा कि 180 डिग्री है सप्लीमेंट्री का, ठीक है। तो अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री कहता है दोनों एंगल की भैया सम कितनी चाहिए मुझको 180 चाहिए, तो ये एडजेसेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते एडजेसेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एंगल COA, एंगल COA कितने का है 180 डिग्री का, लेकिन उसमें मैंने एक कॉमन आर्म ड्रॉ करा है वहां पे वर्टेक्स O से जो कि है OB। अब इस OB ने क्या करा है इस 180 डिग्री को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका फर्स्ट एंगल है AOB, AOB और दूसरा एंगल क्या है BOC या फिर COB। अब OB OB इसमें OB OB दोनों क्या है कॉमन है इसमें, तो मतलब कि ये कॉमन आर्म भी हुआ, वर्टेक्स भी कॉमन है और इनकी सम भी 180 है, तो सप्लीमेंट्री भी हुआ और एडजेसेंट भी हुआ। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अब इसमें क्या हुआ ये 180 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, दोनों अलग अलग है लेकिन इनकी सम अगर करते हैं हम तो वो 180 डिग्री आती है, तो ये भी कौन से एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, भले ही वो एडजेसेंट एंगल ना हो लेकिन वो क्या कहलाते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखो क्योंकि वो एक एंगल देते हैं और बोलते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो इसका सप्लीमेंट्री ढूंढो, तो आपको पता होना चाहिए किसकी सम कितनी आती है तभी तो माइनस कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब सप्लीमेंट्री एंगल में एक चीज ध्यान देने लायक है कि वहां पे क्या कहते हैं कि अगर दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उसमें से एक मींस ईच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एज द सप्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, अगर हम बात करें एंगल आर पी क्यू की, आर पी क्यू का सप्लीमेंट कौन होगा, आर पी क्यू का सप्लीमेंट होगा क्यू पी एस और क्यू पी एस का सप्लीमेंट कौन होगा, क्यू पी एस का सप्लीमेंट होगा क्यू पी आर या फिर क्यू पी सॉरी आर पी क्यू, समझो इसको। तो सप्लीमेंट्री एंगल में वी कैन से द मींस जो दूसरा एंगल होता है उसको सप्लीमेंट कहा जाता है वो दूसरे वाले सप्लीमेंट्री एंगल, समझे हो, दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, समझे हो इसको, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अब लीनियर पेयर जो होगी एंगल की वो कैसी होगी, देखो यहाँ पे कहता है कि अ पेयर ऑफ एंगल दैट आर एडजेसेंट
क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए। दूसरी बात, फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, दूसरी बात वो स्ट्रेट लाइन पे भी होना चाहिए। हूज सम इज इक्वल टू 180, सम क्या होनी चाहिए? 180। इसकी तो बहुत सारी कंडीशन है। क्या कहता है कि वो एडजेसेंट एंगल भी होने चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन पे भी होने चाहिए, और दूसरी बात कि उन दोनों की सम 180 भी होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब कैसे बोलो, कैसे? ऐसे देखो, आपको इन दोनों में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री या फिर सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब देखो, एवरी लीनियर पेयर इज अ सप्लीमेंट्री, बट एवरी सप्लीमेंट्री इज नॉट अ लीनियर। समझो इस बात को, बहुत गहरी बात है, जिसको समझ में आई ना तो ब्रिलियंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है ऑब्वियसली। अब 180 डिग्री पे एक बीच में कॉमन आर्म है जिसका नाम है ओ और पी। ओपी नाम है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 का, यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 का। 120 प्लस 60 कितने होते हैं? 180 हो गया ये। अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली, स्ट्रेट लाइन पे है ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसमें क्या होना, वो एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट एंगल की क्या है कंडीशन? कि उसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए है, उसमें कॉमन आर्म होना चाहिए है, और उसके जो अगल बगल वाले एंगल्स है सॉरी आर्म्स है वो इस कॉमन आर्म के आजू बाजू में होने चाहिए। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो क्या हम इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं? सो द आंसर इज यस, हम इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं, और ये सप्लीमेंट्री भी है। ठीक है, अब क्या ये लीनियर पेयर है? अगर नहीं है तो उसको जस्टिफाई करो, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। तो कैसे करोगे? देखो, फर्स्ट द एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यहां से राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल। सेकंड थिंग, इट इज हैविंग द कॉमन वर्टेक्स। ओके, इट इज हैविंग कॉमन वर्टेक्स, बट यहाँ पे जो आर्म है वो भी कॉमन है, ठीक है, एडजेसेंट भी है। ओके, हम कहेंगे कि यहाँ पे सीओ जो है वो क्या है? कॉमन आर्म है, और इसके अगल बगल वाले आर्म जो है ओ बी और ओ ए, तो इसकी वजह से वो भी आजू बाजू में, इसीलिए ये एडजेसेंट होता है। लेकिन ये 90 डिग्री का है। टोटल कितने का है? 90 डिग्री का। 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 180 डिग्री वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन पे तो है ही नहीं वो एडजेसेंट एंगल, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसीलिए ये ना तो लीनियर पेयर है और ना ही सप्लीमेंट्री है। ठीक है, समझो इसको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। जब दो लाइंस एक दूसरे को मिलती है एक कॉमन पॉइंट पे, टू पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म अपोजिट टू ईच अदर एट अ कॉमन वर्टेक्स। ये कॉमन वर्टेक्स है, कौन है? ओ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो लाइन ने इंटरसेक्ट करा है ये कॉमन पॉइंट पे, और इसकी वजह से हमें क्या मिले हैं? कई एंगल मिले। कितने एंगल मिले? 1 2 3 4 फोर एंगल मिले हैं। अब इन फोर एंगल में कह रहा है कि अपोजिट टू ईच अदर है, ये एंगल इसका अपोजिट है। देखो, एंगल सी ओ बी इज अपोजिट टू एंगल ए ओ डी, और एंगल ए ओ सी इज अपोजिट टू एंगल डी ओ बी। समझ में आया? ठीक है। दूसरा कहता है कि दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे एंगल को हम कहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये जो एंगल्स होते हैं, तीसरा पॉइंट कहता है कि ये
अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी और एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। अब सो डियर किड्स, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय एंड जय हिंद।